सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जीएस पेपर टू और यू कैन सेट सी सेट। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम जरूर प्रीलिम्स का थोड़ा डिले हुआ, बट इसमें आपने जो पावर है उसको बरकरार रखना। कहने का मतलब क्या है, ये नहीं सोचना अब तो हमें एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं, अब तो हम एक्स्ट्रा कर ही लेंगे, कुछ नहीं ऐसा, मैं ही बता रहा हूँ। अपने फोकस को मत टूटने देना। अक्सर होता यही है कि जब एग्ज़ाम आपका डिले होता है तो एक फोकस ना टूट जाता है, फिर क्या होता है, फिर स्टूडेंट को लगता है यार हल्के में ये कर ही लेंगे। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, और खासकर इंग्लिश को बहुत फोकसली करो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज हमारा प्रीवियस ईयर लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। कोई डाउट हो तो 9517716 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो हमारा ये है 2009 का पार्ट टू, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे 2019 के हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका फ्री होम कोर्स हो, चाहे आपका जैसे मैं बात करूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप हो, और आपका माइक्रो कोर्स हो, फुल कोर्स हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करते हुए बिल्कुल मत हिचकिचाइए, 24/7 ओपन है, कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी सेंड कर सकते हैं, क्लियर। तो सुनिए, ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, नंबर सिस्टम से, ठीक है। द रेशो ऑफ अ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 4:7, द नंबर ऑफ सच पेयर इज। अब मुझे पेयरिंग की बात कर रहे हैं कि ऐसे कितने पेयर मेरे पास पॉसिबल है। देखो सबसे पहली बात, आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एक्स वाई को, इसको कैसे लिखोगे आप, क्या मैं इसको 10x+y की फॉर्म में लिखूंगा, यस और नो, इज दैट क्लियर, यस। अब अगर मैंने कोई नंबर एक्स वाई लिखा है तो इसको रिवर्स करके कैसे लिखूंगा, वाई एक्स करके लिखूंगा स्टूडेंट, यस। द रेशो ऑफ अ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 4:7, यानी एक्स वाई अपॉन वाई एक्स, स्टूडेंट्स मुझे कितना दिया है 4/7, मुझे ये दिया हुआ कि एक्स वाई अपॉन वाई एक्स इज 4/7, यानी कहने का मतलब क्या है, 10x+y अपॉन 10y+x इज हाउ मच, 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, देखो 7 times of 10x+y इज इक्वल 4 times of 10y+x, क्लियर। देखो जी ये कितना हो गया, 70x+7y इज इक्वल टू कितना, 40y+4x, ये बात क्लियर है। चलो इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, 70x upon -4x इज इक्वल टू 40y -7y, क्लियर। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास, 66x इज इक्वल टू कितना, 33y। तो x अपॉन y कितना आ गया मेरे पास, 33y/66, यानी कितना, 1/2। अब जब तक मेरे पास x और y की डेफिनेट वैल्यूज नहीं पता है, तो आई कांट से भी कितने पेयर बन सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लेके चल सकते हैं, क्लियर। अब ध्यान से देखिए जरा, अब करना क्या, देखो अब मुझे क्या बोला इन्होंने, x/y, यानी x/y ये कितना है मेरे पास, पी और क्या है, पी और 2p है भाई, एक्स और वाई कितना, पी और 2p है। अब सिंपली पी की वैल्यू, देखो ये बात याद रखना, जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये मेरे पास नंबर सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए एक्स और वाई दोनों, ठीक है, जैसे 1, 2, 2, 4। अगर पी की वैल्यू आपने 1 पुट किया, ये कितना आएगा, 1, 2, पी को 2 पुट किया 2, 4, पी को 3 पुट किया 3, 6, पी को 4 पुट किया 4, 8, कुछ ऐसा ही है। इसके आगे अगर आप कोई नंबर पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 5 पुट करते ही वाई हो जाएगा आपका स्टैंड, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days, यानी अगर मैं सीता की बात करूं, सीता कब जा रही है, हर दूसरे, मतलब गैप ऑफ 2 days, यानी अगर मैं गैप ऑफ 2 days की बात करूं, ठीक है, गैप ऑफ 2 days यानी हर तीसरे दिन, अच्छा, और गीता की बात कर लेते हैं यहां पे, अच्छा एवरी थ्री डेज, 2 days and 3 days, मतलब गीता जाएगी पहले, सीता जाएगी 1, फिर कब जाएगी 4 पे, फिर 7 पे, फिर 10 पे, फिर 13 पे,
गीता कब कब जा रही है देखो, एट अ गैप ऑफ एवरी थर्ड डे, यानी थ्री थ्री डे के बाद कितना, एक, अगले चौथे दिन पाँच, फिर नौ, फिर 13। तो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 13th को। बट अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात मैं गीता की बात करूँगा, सीता की, यानी सीता के साथ हो क्या रहा है, सीता 1+2 हर तीसरे दिन जा रही है, 1+2 यानी हर थर्ड डे। अच्छा गीता के साथ क्या हो रहा है, 1+ gap of 3 यानी हर फोर्थ डे पे जा रही है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12, यानी हर 12वें दिन पे बराबर मिलेंगे, यानी एक के बाद 12 दिन, यानी कि आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, 13 डे वॉज राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से प्लीज इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट करना आपने, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्लियर, चलिए तो ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था बेसिकली। चलिए, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीज बाय 60%, ठीक है, हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए मुझे, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बताओ मुझे जरा प्लीज। देखो ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, बी इज प्लेस्ड ओवर ए इफ द वेट इंक्रीज बाय 60%। मैं कहता हूं सिंपल, ए का वेट मेरे पास क्या है, मैं कहता हूं 100 kg, परसेंट छोड़ो केजी मान लिया, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना मेरे पास, 100 + 60 यानी कितना हो गया, 160 kg हो गया। अच्छा अगर ये मेरे पास ऐसा हो गया, हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बी को रिड्यूस करके ओरिजिनली लाना चाहूं, यानी अब मेरे पास कितना वेट है, 160 है, अगर 160 से दोबारा 100 पे आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 60 को रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने पे, 160 × 100%। ये था छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे करना था। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं कर रहे तो भाई कर दो प्लीज, और सारे के सारे लिंक कोई अगर डाउट हो तो देखो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कोई डाउट हो आप डाउट भेज सकते हैं, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, 24/7 आपकी हेल्प होगी। कई बार जैसे मैं लेक्चर में हूँ अभी तो मैं कॉल नहीं पिक कर पा रहा, तो आप जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज डाल दिए, सर आई वांट दिस, दैट्स इट, आई बी देयर, अब वैन द टीम विल बी, आपको टीम सपोर्ट करेगी जब तक, ठीक है, वरना मैं तो हूँ ही। क्लियर, अब क्या कह रहा है वो, 60/160 यानी 60/160 × 100%, ये कितना आ गया देखो, 4 × 16 15 × 60 2 × 5 15 × 5 75/2 यानी कितना, 37.5%, ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता है कैसे करना है, बटन पता कहाँ है, सब पता है, बस करना नहीं है, करिए फटाफट जरा जल्दी से करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन, रेसिस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आता है रेसिस वाला क्वेश्चन, कि भाग रहे इतने का स्टार्ट दिया, इतने का स्टार्ट दिया, जल्दी से इसको करिए क्वेश्चन को प्लीज, जल्दी से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया, एक्स वाई जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, मतलब सबकी स्पीड अलग अलग है, स्पीड्स का कोई लेना देना भी नहीं इसमें। एक्स गिव वाई अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यानी अच्छा चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एक्स गिव जेड अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, इसका मतलब सब सब क्या है कि एक्स अगर 1000 भाग रहा है, उसने वाई को भी पहले बोला तो आगे जाके खड़ा हो जा, फिर वो बोल रहा है जेड को भैया तू भी इतने मीटर जाके जा, एक्स को वाई को बोला 40 मीटर पहले खड़ा हो जा जाके, मतलब यहाँ से 40 मीटर दूर खड़ा हो जा, और जेड को बोला तू मेरे पास कितना आ जा, 64 मीटर हो जाए, ठीक है। इफ वाई एंड जेड वर टू कम्पीट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड, तो वाई कितना मीटर का स्टार्ट देगा अगर उनको 1000 मीटर भागना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दो तरीके से बताऊंगा, जैसा दिल करे कर लेना, पहले मैं आपको दे रहा हूँ 2 सेकंड, ट्राई कर लो जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा करना कैसे। थ्री टू वन लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्स कितना भाग रहा है मेरे पास 1000 मीटर, क्लियर। अच्छा वाई कितना जा रहा है, फिर 1000 - कितना 40 यानी कितना 960 मीटर, क्लियर। अच्छा Z कितना जा रहा है
1000 माइनस ऑफ 64 यानी 936 मीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को कि अगर दोनों को हजार हजार मीटर भागना हो, मतलब बेसिकली हजार मीटर की रेस करनी हो, तो वाई क्या करेगा, कितना स्टार्ट देगा जेड को। देखो सिंपल सी बात, मुझे वाई को 960 की जगह कितना भगाना है, 1000 मीटर। तो ये कितना भागेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1000 बाय 960, और ये कितना भागेगा मल्टीप्लाई बाय 936 कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। दूसरा तरीका ही बताऊंगा, ये तरीका दूसरा अभी भी बता रहा हूँ आपको मैं। चलिए इसको जरा हम जीरो से जीरो, चलिए चार चौके 16, 25 चौके 100, सॉरी 16 टाइम्स, तो चार चौके 16, चार दूनी 8, चार तीय 12 और चार चौके 16, ठीक है। ये कितने में जाएगा, देखो क्या दोबारा कट रहा है, यहाँ कुछ गलत तो नहीं काट दिया, चेक करो एक बार, चार दूनी 8, चार तीय 12 और चार चौके 16, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। चार छिके 240 नहीं कट रहा है, चार से डायरेक्टली तो क्यों नहीं कट रहा, कुछ 936 कैलकुलेशन सही है मेरे पास, लेट मी चेक इट वंस अगेन। 1000 जैसे ये था मेरे पास 1000 बाय 960 इंटू ऑफ 936, जीरो से ज़ीरो, यहाँ गलती की है, यहाँ 16 नहीं 24 आएगा। चलो इसको यहाँ पे करके देखते हैं, चलिए देखो जीरो से ज़ीरो 24 और ये कितने पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 24 बटे 25, ठीक है 25 बटे 24 यानी। अच्छा फिर क्या जा रहा है, ये जा रहा है सीधा सीधा, चार छिका 24, चार दूनी 8, चार तीय 12, चार चौके 16, बिल्कुल जा रहा है। ये कितने पे जाएगा, देखो 6 तीय 18, 5 4 यानी 39 इंटू, यानी ये क्या है 40 माइनस 1 इंटू 25, यानी कितना हो गया 1000 माइनस ऑफ 25 कितना 975। कि अगर मेरे पास y भागता 1000, ये कितना भागता 975, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 25, क्लियर। अच्छा एक और तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को, अब दूसरा तरीका क्या था, देखो मेरे पास इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, कंपेयर करके देखें कौन सा छोटा है। देखो अगर मैं बात करता इनके डिस्टेंस की, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो जो डिस्टेंस का वही टाइम का 936, इसको काटो जरा, देखो भाई चार से काटो 240, चार दूनी 8, चार ती 12, चार चौके 16, ठीक है फिर कट रहा है किसी नंबर से, छः से कटता दिख रहा है, छः चौका 24, 40, छः ती 18, तो कितना हो गया 40 रेशो ऑफ 39, यानी अगर ये भागता मेरे पास 1000 कितने गुना 25 गुना, तो डेफिनेटली ये एक का गैप था कितना कम होता 25, यहाँ से भी आप कर सकते, तो ऑप्शन नंबर बी आता जब भी आंसर। तो देख लो जो आपको तरीका अच्छा लग रहा है ना, चाहे तो आप इससे कर लो, इससे कर लो, बहुत हर अच्छे दोनों मेथड्स अच्छे, मैंने दोनों बता दिया आपको। चलो ये क्वेश्चन वन लाइनर है, कैसा दिया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी एक्स क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है 25 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 40, यानी वाई कितना है लेस देन और इक्वल टू 40 और इक्वल टू भी है साथ में, क्योंकि यहीं से मेरा आंसर बनेगा, ध्यान से देखिएगा क्या दिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई हो सकता है, वाई को अगर 25 मान लो, वाई लेस देन इज इक्वल टू 40 है, मतलब कम भी हो सकता है, अच्छा 25 से भी कम हो सकता है, पहली इक्वेशन मुझे जमती नहीं, गलत है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। देखो अब यहां से क्वेश्चन उठता है, देखो सपोज करो y को मैं मैक्सिमम लेता हूं 40, ठीक है, यहां पे x को मैं मैक्सिमम लेता हूं 25, तो इनका मैक्सिमम डिफरेंस ही 25 आ रहा है, ग्रेटर देन 15 तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम डिफरेंस ही 15 है, क्या दिया y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, यस लेस देन, db गलत होगा, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गलत, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, बिकॉज या तो 15 होगा या 15 से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपके पास, सो ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर, क्लियर। तो जब तक ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे 2019 के ऐसे क्वेश्चंस को, तो कैसे काम चलेगा, और आपका फुल कोर्स माइक्रो कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी चीजें बताऊंगा क्यों वो कोर्स इतना खास है, क्यों उस कोर्स के लिए इतना ज्यादा मारामारी है, डेली बच्चे आ रहे हैं सर वो कोर्स लेना, माइक्रो कोर्स लेना, ये करना वो करना, ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर ना अभी भी दो कॉल्स आ गई होंगी, कन्फर्म है मेरे पास, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे पास, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट, अच्छा राकेश क्या कर रहा है 8 मोबाइल हैंडसेट को खरीद रहा है, ऑफर स्पेसिफिक कंपनी एबीसी कुछ भी हो सकते हैं, बट द रिटेलर ऑफर्स वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट,
राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही हैड। देख हो क्या रहा, राकेश है भाई साहब के साथ बड़ा सही हुआ। वो क्या कह रहा, मुझे 8 हैंडसेट दे दो एग्जाम। वो कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है शॉपकीपर, कह रहा है यार तो बड़ा सही बंदा, इसको डिस्काउंट देता हूँ। 8 ले रहा है, तो एक भी नहीं लेता, एक के लिए भी इतने जाम मारा मानी करते, सीधा 8 ही ले रहा है। कह रहा है सर मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, आपको 8 की जगह सेम जितने पैसे हैं ना मैं 10 दे दूंगा। सपोज करो राकेश के पास एक्सट्रा, ₹100 थी, क्लियर है। टोटल मनी क्या थी, ₹100। देखो टोटल अमाउंट उतना क्या मेरे पास, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, टोटल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट पर फोन, नंबर ऑफ फोन क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट पर फोन इन टू नंबर ऑफ, यस मैं बोल सकता हूँ। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से मेरे को क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास एक्स, अमाउंट पर फोन कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता, मैंने इसको क्या बोल दिया, अमाउंट पर फोन केस वन, नंबर ऑफ फोन कितने 8। तो पहले केस के लिए अमाउंट पर फोन कितना हो गया मेरा, ₹8 पर फोन, ₹8 पर फोन, यानी एक फोन मेरे को x/8 का पड़ रहा था। सेकंड केस के लिए बात करूं, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पर फोन फॉर केस टू इन टू नंबर ऑफ फोन, अभी भी मेरे पास ₹100 है स्टूडेंट, अभी भी ₹100 है मेरे पास। तो ₹100 है, अमाउंट पर फोन कितना है मेरे पास, अमाउंट पर फोन इन केस ऑफ इन टू टाइम कितना हो गया, ₹2 आ गया अमाउंट पर फोन, ₹10। इसका मतलब जो पहले मैं ₹8 खरीद रहा था एक फोन को, अब मुझे कितना पड़ रहा है ₹10 का, तो क्या हुआ मेरे पास x upon 10, और हमेशा क्या होता है इनिशियल वैल्यू पे x upon 8 into 100%। ये मुझे करना था और मेरा आंसर आ जाना था। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और चैनल को देखो भाई, बहुत सारी वीडियोस हैं, कितने लेक्चर आ चुके हैं आपके पास, मैं बोल रहा हूँ 60 के राउंड होने वाले हैं, तो नहीं देखोगे तो खुद खाटे में रहोगे, क्लियर। ये 2019 के क्वेश्चन है सारे, 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे पेपर में। तो ये कितना होगा देखो मेरे पास, मैंने एलसीएम लिया 40 और इसको क्या लिखूंगा, x/8 है, 8/x आ गया मेरे पास। अच्छा जी ये कितना बना मेरे पास 5, 5x-4x इंटू ऑफ 100%, क्लियर। तो ये कितना हो गया x/40 into 8/x into 100%। तो ये कितना x/8 5, कितना आंसर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का, डन। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, करते हैं इनको, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए चलो ये आपके पास एवरेज का 2019 का क्वेश्चन एवरेज का है। देखो बिल्कुल शांति से करो इस क्वेश्चन को, क्या दिया, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, कि 100 बच्चों के एवरेज कितने 40। इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिस रीड एज 83, द करेक्ट मीन मार्क्स आर। देखो क्या दिया मेरे को, दिया है 100 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज कितनी दी है मुझे स्टूडेंट, एवरेज कितनी दी है मुझे 40 मार्क्स पर स्टूडेंट, कोई जरूरत नहीं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ ईच वन स्टूडेंट वॉज मिसरीड एट 53 थे एंड वर मिसरीड एट 83। इसका मतलब आपने क्या किया, 53 मार्क्स उस बच्चे के आए, बट हुआ क्या, आने कितने थे 83, यानी मेरे पास 83 मार्क्स तो उसने बोला कि आए हैं, बट एक्चुअली में आए कितने थे 53। इट वॉज फाउंड दैट वन स्टूडेंट वर 53 विच वॉज मिसरीड, मतलब जुड़ गए 83, जुड़ने कितने थे मेरे पास 53, समझ आ गई बात, जुड़ने कितने थे मेरे पास 83 और सॉरी 53 जुड़ के कितने, इसका मतलब 30 मार्क्स यानी अब ये बात बोलोगे कि 100 स्टूडेंट्स को थर्टी मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, तो एक स्टूडेंट को कितने मिले 30/100 यानी कितना 0.3 मार्क्स एक्स्ट्रा गए हैं। तो जो मेरी एवरेज है ये 0.3 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी 40 मार्क्स पर स्टूडेंट, 0.3 मार्क्स पर स्टूडेंट, दोनों को माइनस कर दो, 40 माइनस ऑफ
0.3 कितना हो गया मेरे पास 39.7 और ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करना मत भूलिए। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। चलिए ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देख लो वेन डायग्राम का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, सो क्लियर है, 8 कैन रीड इंग्लिश, 8 है, वाइल 3 ऑफ देम कैन रीड 9, मतलब 15 में से 3 तो चले गए, कितने बचे 12 पर्सन है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, यानी ऐसा ही है। ये फ्रेंच है, फ्रेंच वाले कितने हैं 7 हैं, अच्छा और कौन सा है, इंग्लिश वाले कितने मेरे पास 8 हैं, बट मुझे ये नहीं पता क्या मेरे पास यही फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एंड इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन क्या होता है आपके पास, यही तो चीज़ होती है, ये निकालना है बस, ये आपको देखना था कि 3 नहीं है तो 12 कर दो, तो 12 इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी एफ कितना है 7 प्लस 8 माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 15 माइनस 12 यानी कितना 3। कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आ गया 3 आ गया, ये 7 था तो कितना बचा 4, ये 8 था तो कितना बचा 5। तो वो मुझसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो एफ वाले फ्रेंच वाले कितने हो गए 4 और इंग्लिश वाले कितने हो गए 5, 5 प्लस 4 कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 9 वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं कर रहे तो प्लीज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और 2019 के पेपर का। ठीक है, इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जो मिनिमम होती है, मतलब 1/2 बोलो 2/3 ऐसे वाली जो फर्दर नहीं काटेंगे, जिसको इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0 द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, बताइए क्या होगा। एग्जाम्पल लेके देखो छोटा सा, देखो जैसे मैंने लिया 2/3, मैंने इसको 2 बढ़ा दिया यानी 2/3 कितना होता है मेरा 0.66 होता है, अच्छा ये कितना हो गया 4/5 कितना हो गया मेरे पास 3 × 5 0.8 हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, कम आए तो मुझे बताना, हमेशा क्या आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैंने कि एग्जाम्पल लेके दिखाया, आप एग्जाम्पल लेके देखिए कुछ हो रहा है, अगर आ रहा हो तो प्लीज मुझे गाइड करना, ठीक है वैसे नहीं आएगा। चलिए देखिए, ये वो कोर्स है स्टूडेंट जिसके बारे में आपको बताने लगा था, ठीक है, सी सेट का बैच डिटेल्स हैं, टाइमिंग है मेरी 3 से लेकर 4:30, बट ये बैच कब तक चलता है मेरा 5 बजे तक, ये आधा घंटा क्या करेंगे 30 मिनट, मैं अभी बताता हूँ आपको। क्लियर स्टूडेंट, हफ्ते में 4 दिन हमारी क्लासेस होंगी इसमें, क्लियर ऑलमोस्ट हमारे पास 180 प्लस लेक्चर्स है इसमें, जिसमें 90 लेक्चर हैं टोटल आपके पास लाइव मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें 50 क्वांट के होंगे, 25 लॉजिकल के होंगे और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये मेरा लाइव बैच है, ठीक है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा चाहें आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर, प्रीवियस ईयर के कितने मिल रहे हैं 15 लेक्चर, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं 50 प्लस, लाइव मेंटरशिप के कितने आपके पास 30 प्लस। क्लियर, आपके पास एक नंबर दे रखा है जो मैं बार बार बता रहा हूँ 9511777, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो टीम आपके साथ डायरेक्टली जुड़ेगी, कोई डाउट हो तो भेज सकते हैं इस पर। क्लियर है, देखिए जो आपका पोर्टल पर लेक्चर लगा मिलता है उसके साथ क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले लेक्चर की PDF, यानी वो PDF है जो मेरे को मिलेगी, कैसे क्वेश्चन जो मैंने करवाने वो वाली PDF पहली पोर्टल पर अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होता है जो कोई थ्योरी पार्ट हो सकते हैं, क्लियर, जिसमें क्या होगा, जिसमें सारी थ्योरी होगी, कोई वन लाइनर हो सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो चैप्टर को समझने में मेरी मदद करेंगे। नंबर 3 पे क्या आता है मेरे पास, प्रैक्टिस शीट। अब प्रैक्टिस शीट क्या है मेरे पास, प्रैक्टिस शीट मेरे पास स्टूडेंट्स वो डाटा होता है जैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसका डिस्कशन हम करेंगे यहां पे 30 मिनट में। तो ये आपका डाउट सेशन है, जो ये आपका डाउट सेशन है, ये आपका डिस्कशन आप सेशन कह सकते हो, जो आपका दिल करे। क्लियर, उसके बाद आपके पास नंबर 4 पे मिलेगा एक छोटा सा टेस्ट लगा हुआ, ये खासकर उन लेक्चर्स पे होगा जिनमें मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखा है पूरा, क्लियर है कि जिन पे मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखा है पूरा, तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अब देखो मेरे पास वीकली होगा क्लास टेस्ट, वीकली क्लास टेस्ट जो होगा हर संडे को 1 बजे, ठीक है, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी दे सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा मेरे को वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, तो ये भी पोर्टल पे अपने अपडेट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास है व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप
ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास है माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स क्या है मेरे पास, देखो माइक्रो कोर्सेज है मेरे पास वो एक तरीका जिसके थ्रू मैं पूरा कोर्स ना करके मैं सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी कर सकता हूँ। जरूरत थोड़ी ना कि मुझे वो करना है, मुझे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे पता चलेंगे मैं बता देता हूँ आपको, कुछ मेहनत नहीं करनी। ऑलरेडी हम नंबर वन इसीलिए हैं कि सारी मेहनत करके आते हैं, ठीक है। हमने अपना होमवर्क किया, आपने किया, देखो क्या दिया, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, अपग्रेड योर स्पेसिफिक एग्जाम इंपॉर्टेंस टॉपिक्स थ्रू अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, 2100 प्लस सिलेक्शंस हैं, 12 सिलेक्शंस हैं, टॉप 12, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऑल इंडिया रैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट रैंक इन पीसीएस, एचसीएस एंड एचएएस। चलिए सिविल सर्विसेज सी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज हैं, और ये मेरे अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, क्लियर। चलिए देखिए स्टूडेंट, मेरे पास मेंटल एबिलिटी की बात करूंगा, ठीक है। सी ऑल करें ऐसे नहीं पता चलेगा, सी ऑल करिए, ठीक है। देखो मेरे पास कोर्सेज सारे सारे हैं, जैसे ही मैंने आई बटन दिख रहा है स्टूडेंट, इस पर मैंने किया क्लिक, देखो मुझे आई बटन पर क्लिक करने से क्या दिखा, 2023 के पेपर में सी सेट में नंबर सिस्टम 18 क्वेश्चन थे, 2022 से कितने थे 10 क्वेश्चन, 21 से 9 क्वेश्चन, 20 से थे 15 क्वेश्चन, 19 से 7 क्वेश्चन, क्लियर। तो ये मेरे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न पता चल गया कि नंबर सिस्टम से 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। तो अगर 80 क्वेश्चन के पेपर में किसी पार्ट से 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे थे वो इंपॉर्टेंट है। ट्राई नाउ करो, देखो क्या मिल रहा है आपको, ट्राई नाउ करने में क्या मिल रहा है, 11 लेक्चर्स इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर आपके पास क्वेश्चन के सोल्यूशन नंबर सिस्टम के, क्लियर। थ्योरी पार्ट भी सारा कवर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी। वेब नोट्स का वही काम है जो मेरे रिसोर्सेज का था, चैप्टर के बारे में बताएंगे सारा थ्योरेटिकल पार्ट, क्लियर। उसके बाद 441 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट आर एमसीक्यूज इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे मुझे 441 मिल रहा है, और सिर्फ कितने में 355 में पूरे एक साल के लिए, तो एक रुपये भी कम में मिल रहा है, क्लियर। इसी तरीके से आप जो चैप्टर चाहें वो चैप्टर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरा माइक्रो कोर्स तैयार होकर लॉजिक आपकी एबिलिटी का, क्लियर। इसी तरीके से स्टूडेंट हम करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में डीपली बताऊंगा, रीजन बच्चे इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हल्के में लेते हैं। देखो पूरा कितने का, 432 का, क्यों लेना चाहिए, जो भी बताया था। अगर मैं 2023 की बात करूँ, 26 क्वेश्चन, 22 की बात करूँ, 27, 21 की बात करूँ, तो 1/3 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आ रहे हैं। सपोज करो इंग्लिश में 15-16 क्वेश्चन हो गए आपके, 12-13 भी हो गए, तो कितने इतने क्वेश्चन तो बचे जो मुझे ठीक करने हैं, 27 तो मुझे चाहिए टोटल, समझ आ गई बात। तो प्लीज हल्के मतलब इसे उन्होंने भी साथ में दिए 65 रुपये में लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ के टिपिकल क्वेश्चन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जिसके मोबाइल नंबर कॉल में व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यूपीएससी सेट, ये देखिए ऑनलाइन हमारा अभी कोर्स चल रहा है, ये क्रैश कोर्स, ये आपके पास बैचेस हो गया, मेंटरशिप की वीडियो जरूर देखिए, लॉग इन करके मेरा फ्री मोमो कोर्स, ये भी आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज यहीं। इन द एंड बताऊंगा क्यों नंबर वन है पिछले 25 साल से, क्योंकि इन बच्चों ने प्रूफ किया गेम। जैसे स्पर्श की बात करो 51, 56, 105, 138 रैंक लिया था, क्यों ये लिखा हुआ देखो, थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट दैट यू ऑल हैव पुट इन माय जर्नी। अर्णव का कहना है आई एम अभिमन्यु सक्सेस, ये सिमरन ने बोला, देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन अंडर अभिमन्यु एट अभिमन्यु एस अंडर बंसा सर, गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी टू, ये किसने बोला है, ये बोला है अमृत, फेस वन फेस टू और इंटरव्यू सब प्रिपरेशन यही होगी। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, तो सी सेट का माइक्रो कोर्स फुल कोर्स और वार्म अप कोर्स आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी यहीं दिए। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।